क्योंकि भैरव बाबा के दरबार में हूँ और सत्संग चल रहा है, मुझे भजन तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक भैरव स्तुति जो मैं नित्य बोलता हूँ कथा के दौरान, वो भैरव स्तुति अपन सब मिल करके करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि 20 साल पहले ढोलक हनुमान दास जी ने बजाई थी, इसलिए आज ही वो भी बजा ले। और हारमोनियम शंकर जी ने बजाई थी, इसलिए वो 20 साल पहले की घटना, क्योंकि उसके बाद वापस गाया नहीं, और अब वापस पता नहीं लौट के कब आएंगे। 2043 तक यात्रा चलेगी, तो उसके बाद फिर वापस ये लहरू दास जी और आपको भजन सुनाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद देखो, ये भजन संध्या वो सुबह तक चलने वाली नहीं है, हमारी परंपरा में मध्य रात्रि को भजन संध्या पूर्ण हो जाती है, इसलिए 2-3 भजन जो भी होंगे, आप बीच में किसी को जाना नहीं है, पूर्णता के बाद ही पधारना। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सुबह 5:15-6-7 बजे तक ये पर्वतियाँ गाते रहेंगे, तो ऐसे भजन गायक नहीं है ये इसलिए आप पूरी आरती होने के बाद ही पधारना, बस एक भैरव स्तुति करके। मैं तो ये भाव था मुकेश जी का कि भाई दो बात बोलो, इसलिए बोल दी, बाकी हकीकत में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, खूब आनंद आ रहा था मुझे, क्योंकि सुनाने का काम ही रोज रहता है, सुनने का कभी कभी पड़ता है, तो सुनने में जो आनंद है सचमुच सुनाने में वो आनंद नहीं है। तो आइए एक भैरव बाबा की स्तुति करेंगे। भैरवनाथ भलो कर बालक रो, प्रतिपाल बिना गुण पाल करे। प्रतिपाल बिना गुण पाल करे। एक कोयल लाड लाता सीता, एक कोयल लाड लाता सीता, हे अर्जुन भव उपकार तेरे। Yeah.
दाता कृपालु करुणा निधि गुण नायक तोरा गुण गाऊं प्रतिपाल तिहारे चरण पर बलिदारी कैया फिर गाऊं हे नाथ सनाथ सदा रखियो हे नाथ सनाथ सदा रखियो पालक बालक सुन हो यतरे भैरवनाथ की।